हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ए चैनल सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एस्ट्रोजन का एक और इंपॉर्टेंट यूज, जिसको हम कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन देयर फार्माकोलॉजिकल यूज और फार्माकोलॉजिकल यूटिलाइजेशन। इससे पहले की पार्ट्स में आपने देखा व्हाट इज एस्ट्रोजन, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, उनके कौन कौन से एक्शन है और कौन कौन से उसके यूज कर सकने वाले पॉसिबिलिटीज थी। तो आज हम देखने वाले हैं उन्हीं यूज को, उन्हीं एक्शन को हम मेन थेरेप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फार्माकोलॉजिकल यूटिलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर, तो वह आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी। यहां पे एक बार इस चीजों को रिवाइज करना आवश्यक है कि किसी भी ड्रग के काम करने का प्रिंसिपल क्या होता है। हमने फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट टॉपिक के अंदर जब जनरल फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे, तब आपको डिस्कस किया था किसी भी ड्रग के काम करने के तरीके को हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन कहते हैं। उस प्रिंसिपल को पूरा करने के लिए जिन जिन स्टेप्स को फॉलो करते हैं उनको हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। प्रिंसिपल के अंदर हमने आपको देखा कि वो कोई स्टिमुलेट करते हैं, कोई डिप्रेस करते हैं, कोई रिप्लेस करते हैं और कोई साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी शो करते हैं। यहां पर जो आप देख रहे हैं वह है आपका रिप्लेसमेंट एक्शन या रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका क्या मतलब हुआ, अगर आपकी बॉडी में जो कि आपकी बॉडी का एक पार्ट हुआ करता होगा, जो एक केमिकल के फॉर्म में हो, चाहे वो एंजाइम हो, चाहे वो हार्मोन हो या फिर कोई और अदर सब्सटेंस हो, अगर उनकी कमी की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी डेवलप हो रही है, डिसऑर्डर जनरेट हो रहा है और उनको अगर हम कोई ओरल मेडिसिन देकर के रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, अगर उनको ठीक नहीं कर सकते हैं, तो हमको उसको वापस से बाहरी सोर्स से देना होगा जिसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। सो वी आर रिप्लेसिंग दैट पर्टिकुलर केमिकल विद अ न्यू वन, इसीलिए हम इसको कह सकते हैं रिप्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट थेरेपी। तो इसके कारण से क्या होता है, जिस चीज की कमी होती है और अगर ये हमारी बॉडी में ना बन रहा हो तो हम उसको किसी और के सोर्स से डिराइव करके इसको आपकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि उसकी कमी की वजह से जो प्रॉब्लम हुआ हो अब बाहरी सोर्स से देने के कारण से वो कमी को पूरा कर सकें। इसके अंदर कौन-कौन से यूज हैं, अगर हम बात करते हैं एस्ट्रोजन की, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके ऐसे केस में जब आप आने वाले टॉपिक में देखेंगे फर्टिलिटी केस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां पे कोई पर्टिकुलर वुमन इनफर्टाइल हो गई है या उनमें पोस्ट मेनोपॉजल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं या वजाइनल एट्रोपी हो गई है या इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से जुड़ी हुई कोई भी एबनॉर्मेलिटीज अगर डेवलप हो रही है, तो उसकी केस को कैसे हम ठीक कर सकते हैं। पहला है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, इस केस में यूज किया जाता है हमारे एस्ट्रोजन। ये क्या है प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म, प्राइमरी मतलब होता है आपका एक ऐसा कंडीशन जिसमें शुरुआत हो रही हो, और हाइपोगोनेडिज्म का क्या मतलब हुआ, एज यूजुअल हमेशा की तरह अगर आप वर्ड की मीनिंग को देखना शुरू करेंगे तो यह आपको बताता है कि इट इज अ हाइपो मतलब कम, किसका कम होना, जो इस वर्ड के आगे लगा हुआ है यानी कि गोनेडिज्म। सो अगर हम इसको एक जनरल भाषा में बात करें तो जितने भी गोनेड्स हैं, मेल में अगर हम बात करते हैं टेस्टिस की, अगर हम बात करते हैं फीमेल में तो ओवरी की आएंगे, दोनों को हम गोनेड बोलते हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक स्पेसिफिकली आपके एस्ट्रोजन का है, इसलिए रेस्पेक्टिवली हम बात करेंगे फीमेल के ओवम के केस में। तो जो ओवरी है उनसे कम मात्रा में जो इस तरह के ओवम सिक्रीट हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ आपके जो गोनेड्स हैं वो प्रॉपर अच्छे से फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं उनके काम करने को। तो उनकी वजह क्या है, उनकी वजह है कि कहीं ना कहीं उनकी फीमेल की बॉडी में इनके जो एस्ट्रोजन का लेवल है ये कम हो रहा है। तो इसी कमी को अगर हम पूरा करेंगे कब, जब वो एज होगी 11 से 13 इयर्स के आसपास, तो इन 11 से 13 इयर्स की जो बच्चियां हैं, गर्ल्स हैं, इनके केस में अगर हाइपोगोनेडिज्म की प्रॉब्लम हो रही है जो कि डायग्नोसिस से कंफर्म होता है, तो उस केस में हम इनकी प्रॉब्लम को, हाइपो को ठीक करके ऑप्टिमम लेवल पे लेकर के आने के लिए, गोनेड्स के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए आपके एस्ट्रोजन की थेरेपी को यूज करते हैं। सो इन केस ऑफ डायग्नोसिस, अगर डायग्नोसिस के बाद ये कंफर्म होता है तो हम उनको देंगे, और इसको देने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अ इंक्रीज इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक और साथ साथ देयर विल बी अ डेवलपमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसका क्या मतलब हुआ, एकदम सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो को अगर हम एक मिनट के लिए रिकॉल करें, तो चूंकि आप जानते हैं कि एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्स हॉर्मोन जो कि प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को डेवलप करने में काम करते हैं, इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर उनकी आवाज का पतला हो जाना, आपके पुबिक हेयर का डेवलप होना, आवाज के पतले होने के साथ साथ ब्रेस्ट के साइज में इनलार्जमेंट होना, और इस तरह से ओवम का बनना स्टार्ट होना, ओवरी का डेवलप होना, वजाइनल वॉल का थिकन हो जाना, स्टेटिफाइड हो जाना, कॉर्निफाइड हो जाना,
ये इनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक के इंपॉर्टेंट निशानियां हैं। तो ये प्रॉपर अगर नहीं हो पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपोगोंड्रिज्म तो इनको देखकर के हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं। एक जो प्रॉपर एज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, उनमें भी अगर प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो इनकी कमी की वजह से है, वो गोनैड्स की कमी की वजह है। तो इनको भी ठीक करने के लिए हम इस तरह के जो फीमेल सेक्स हॉर्मोन है एस्ट्रोजन, इनको यूज करते हैं ताकि हम इनकी कमी को वापस से एक पर्टिकुलर एज में, याद रखिएगा आफ्टर डायग्नोसिस, हम इनको रिकवर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं दूसरे कंडीशंस की, कब इनका यूज करते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा तो ये है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। एक ऐसे वुमन जिसके पोस्ट मेनोपॉज स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि मेनोपॉज स्टॉप हो गए हैं, अब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट नहीं हो पाएगा, ऐसे केस को हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल कंडीशंस। और इस कंडीशन में जो बेसिक सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, वो आपके सिम्टम अगर ज्यादा है और सब एक साथ कोलैबोरेट होकर देखने को मिल रहे हैं, तो ओवरऑल इस तरह के जो परिप्रेक्ष्य है या सिचुएशन है, सिनेरियो है, इन्हें हम कहते हैं पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम। और इनके अंदर किन-किन सिम्टम को इंक्लूड किया गया है, ये हैं कारण यहां पे लिखा हुआ है, ड्यू टू डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन प्रोडक्शन। ये जो एस्ट्रोजन है इनके लेवल कम हो जाना, क्योंकि इनका जो प्रोडक्शन है वो अगर कम हो रहा है तो उनका डेफिनेटली लेवल कम होगा, और उनके लेवल कम होने की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करते हैं तो इन केस ऑफ मेनोपॉज, क्योंकि उस समय अब मेंस्ट्रुअल स्टार्ट नहीं हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, तो इनके क्या क्या सिम्टम्स आप देख सकेंगे। पहला है हॉट फ्लशेस, ये एकदम से आपके फेस में, नेक में, शोल्डर में हीट जनरेट होने लगेगा, अचानक से ऐसे लगेगा कि आपको थोड़ी गर्मी आ रही है, तो ये हीट फ्लशेस कहलाते हैं। साथ साथ एंजाइटी फील करेंगे, दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मेनोपॉजल वुमन। आपको एक अननेसेसरी अनवांटेड फियर की फीलिंग होगी, द फियर इज नॉट कोरिलेटेड विद रियल सिचुएशन, बट ये आपको फील कराएगा। इसके साथ आप बात करेंगे तो सिंपल सा है, फैटिग, थोड़ा सा थकावट, थोड़ा सा वीकनेस लगने लगेगा मेनोपॉज के सिंड्रोम दिखने के कारण से, स्वेटिंग जनरेट होगी फेस पे, आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे, इन पे काफी ज्यादा मात्रा में स्वेटिंग देखने को मिलेगी, जो कि रिलेट हो सकता है आपके हॉट फ्लशेस के साथ साथ। अब हम बात करते हैं अगला इसके जो सिम्टम्स उसके साथ बात करेंगे, तो जो मसल्स और जॉइंट है उनमें पेन दिखने लगेगा, और यही मेन कारण में से एक है कि खास करके ऐसे वुमन को जो पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम से फेस कर रही है, उनकी बॉडी में अक्सर पेन होता है, उनकी थाइज में, उनके कमर में इस तरह के पेन देखने को मिलते हैं, और खास करके जॉइंट में तो ये कुछ ज्यादा ही आपको देखने को मिलेंगे। इनके अलावा जो अदर सिम्टम हो सकते हैं बट नॉट ऑफनली, ये क्या क्या हैं, ये भी याद रखने लायक चीजें हैं आपके लिए, ये है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जहां पे आपके बोन का मास डिके होता है और ये आपके बोन को वीक करने लगते हैं। अगर आपने पिछले पार्ट को ध्यान से देखा होगा तो हमने बात किया कि आपके जो यूज हैं एस्ट्रोजन के, वो इस ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करने में करते हैं, क्योंकि ये जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है इनको कम करते हैं और बोन के रिजॉर्प्शन को भी कम करके बोन के मास को मेंटेन करने में काम करते हैं। तो इनकी कमी हो रही है तो डेफिनेटली अब आप समझ सकते हैं कि ऑस्टियो प्रोसेस होगा ही होगा। साथ साथ आप देखेंगे जेनाइटल एट्रोफी भी देखने को मिलेगी, जो आपकी वुमेन में रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है, वजाइना है, इनका अब थिक जो बढ़ गया था थिकनेस वो कम होने लगेंगे, थिनिंग होने लगेंगे, और इस तरह से आपको वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ साथ अगर और सीवियर कंडीशन की और बात करेंगे तो देयर विल बी इंक्रीज इन चांसेस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, ये एक आपके हार्ट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम को रिस्क को बढ़ा सकता है। उसके साथ साथ आपकी स्लीप एंड मेंटल जो एबिलिटी है, स्टेट है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। ये जो स्लीप की प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा कॉमन तरीके से एसोसिएट होते हैं ऐसे वुमन में जो कि पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम या फेज से गुजर रहे होते हैं, और उनका मेंटल स्थिति भी थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव बिहेव करने लगने लगते हैं। तो ये कुछ बातें होंगी जिनको हम ठीक कर सकते हैं आपके एस्ट्रोजन की रिप्लेसमेंट थेरेपी के प्रिंसिपल को फॉलो करके। इनके अलावा और इनके कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल यूटिलाइजेशन या यूज हैं, ये यूज करते हैं सेनाइल वेजिनाइटिस के केस में, ऐसा केस जहां पे वजाइना का वॉल थिन होने लगते हैं, उनके अंदर का जो सब्सटेंट है, पार्ट है, वो आपस में स्टिक करने लगते हैं और इससे ब्लीडिंग होने की संभावना भी हो जाती है, और इसकी वजह से थोड़ा बहुत इन्फ्लामेशन भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही कंडीशंस को हम ठीक करते हैं, और इनके पीछे का जो मेन कारण है जनरेट होने का वो क्या है, ड्यू टू इनहिबिशन द सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय ओवरी। जो हमारी पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, तो फीमेल का जो मेन पार्ट होता है गोनैड्स, ओवरी, उनमें से एस्ट्रोजन के कम सिक्रीशन की वजह से ये प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। जो एस्ट्रोजन है इनको अगर हम यूज करते हैं तो ये उनको रिप्लेस कर देगा, जिसकी कमी की वजह से हो रहा था अगर हम इसी सब्सटेंस को दे दें तो वो कमी को ऑटोमेटिकली फुलफिल करेगा, डिमांड को फुलफिल करेगा, उस कंडीशंस को रिवर्ट करेगा आपके ओरिजिनल या इनिशियल लेवल पे जो आपके लिए बेनिफिशियल था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखिए ऑस्टियोपोरोसिस, यहां भी मैंने आपको समझाया हुआ है ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम को ठीक करने में हमारे एस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। बिकॉज क्यों, क्या कारण है? बिकॉज दे विल रिस्टोर द कैल्शियम बैलेंस शुड बी गिवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी थी, जो बोन का रिजॉर्प्शन था, इनको इनहिबिट करते हैं और इसकी वजह से बोन में जो प्रेजेंट ऑस्टियोक्लास्ट सेल है वो डीके होकर के ब्लड में जो मूव करने का प्रोसेस है वो नहीं होता और इसकी वजह से जो बोन का मास है वो अच्छा होने लगता है और उसकी वजह से जो ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम थी वो हम काफी हद तक कंट्रोल में ला सकते हैं। आगे बात करते हैं तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स की हम बात करें, जिसके बारे में एक्सक्लूसिव तरीके से आने वाले वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, पर एक पॉइंट को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन कहने का मतलब है एक ऐसा प्रोसीजर जिसमें कोई भी फैमिली अगर फैमिली प्लानिंग कर रही है तो वो कंसीव नहीं करना चाहते हैं, एक बर्थ चाइल्ड को नहीं करना चाहेंगे। ऐसे केस में जो भी मेथड हम यूज करते हैं उनके सारे मेथड हम कहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिक मेथड। लेकिन अगर हम बात करते हैं हार्मोनल या फिर आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स की, तो ये ऐसे मेडिसिन है या ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके फीमेल के, इस केस ऑफ मेल में भी यूज होने लगा है बट आज हम बात करें फीमेल की, तो इन फीमेल के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स हैं, अभी आप बात कर रहे हैं एस्ट्रोजन के, प्रोजेस्टेरोन की, इनके लेवल में फ्लक्चुएशन कॉज करके इनके ओव्यूलेशन को कम करते हैं और जब ओव्यूलेशन कम होगा या नहीं के बराबर होगा, कंडीशन अप्लाइड के मैं बात करूंगा जो आगे क्लास में क्लियर होगा और आपको, तो अगर मान लेता हूं कि ओव्यूलेशन को इनहिबिट करते हैं, स्टॉप करते हैं, तो दे विल बी नो ओवम फॉर द फर्टिलाइजेशन विद द स्पर्म, इसकी वजह से कंसीव होने की चांसेस ही नहीं है। तो इस तरीके से इनको आपके एस्ट्रोजन को पिछले टाइम में इनको अलोन मोनोथेरेपी की तरह यूज करते थे, अब तो इनको प्रोजेस्टेरोन के साथ मिलकर के यूज करते हैं, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को हम यूज करते हैं फॉर द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए। तो यहां भी वो चीजें बात की गई हैं। पहले की अगर हम बात करते हैं तो ओनली एस्ट्रोजन को दिए जाते थे, सिंगल एस्ट्रोजन को, लेकिन अब हम एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरोन को भी मिक्स करके देते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट यूज, डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग, इन्हीं को हम आज के डेट में सीधा सा यूटराइन ब्लीडिंग भी कहते हैं। ये कई कारणों से हो सकती है। पिछले पार्ट में आपने देखा कि हमारे कुछ ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो कि आपके पर्टिकुलर यूटरस के अंदर के वॉल को आपस में चिपकने नहीं देते हैं और उनके बीच में एक फ्लूइड रिटेंशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। इनकी कमी की वजह से, यानी कि आपके एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो आपस में स्टिक करते हैं और उनके बीच में एडरेशन होने की प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से ये जो है आपको अनयूजुअल डिसफंक्शनल यूटराइन ब्लीडिंग को कॉज करते हैं। और इन केस को ठीक करने के लिए जो हमारे एस्ट्रोजन हैं इनको हम यूज करते हैं और ये जो एस्ट्रोजन हैं वो एडजुवेंट हैं आपके प्रोजेस्टेरोन के, तो इनके सहयोगी हैं, इनको साथ में काम करने में मदद करते हैं, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अ कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत रेयर केस की एक सिचुएशन है। जो प्रोस्टेट कार्सिनोमा है या कैंसर है वो बेसिकली मेल में देखने को मिलते हैं, उतने फीमेल में देखने को नहीं मिले हैं, बट जितने भी काफी सारे रिसर्च आर्टिकल हैं, रिव्यू आर्टिकल हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इसकी भी संभावना होती है। तो उसके पीछे का क्या लॉजिक है? जो हमारे एंड्रोजन है, नॉट एस्ट्रोजन, जो एंड्रोजन है वो मेल सेक्स हार्मोन है और हमने आपको इस क्लास में बताया भी था कि कुछ मात्रा में फीमेल में भी ये चीजें सिक्रीट होती हैं। तो अगर फीमेल में इन एंड्रोजन का, याद रखिएगा मैं बात कर रहा हूं एंड्रोजन की, तो फीमेल में अगर इन तरह के एंड्रोजन का लेवल ज्यादा होता है तो फिर वो आपके ट्यूमर को कॉज करने की पॉसिबिलिटीज रखते हैं। तो यहां पे मैं एंड्रोजन लिखा हूं, ये बात आप ध्यान दें। अब हमको इस एंड्रोजन की वजह से हो सकने वाले प्रोस्टेट के ट्यूमर या कार्सिनोमा को कम करना है तो हमको उसको एंटागोनाइज करने वाले सब्सटेंस की आवश्यकता होगी और मेन सेक्स हार्मोन को एंटागोनाइज करता है एस्ट्रोजन। तो यहां पे आप देखेंगे थेरेपी के लिए, तो जो एस्ट्रोजन है वो एंटागोनाइज करेगा, ये वर्ड एंटा याद रखिएगा, वो एंटागोनाइज करेगा और उसकी वजह से जो हमारे एंड्रोजन के एक्शन थे इनको कम करेंगे। अब चूंकि ये जो पूरा प्रॉब्लम था वो एंड्रोजन डिपेंडेंट था, तो इसको जब हम कम कर देंगे एंड्रोजन को, तो वो जो प्रॉब्लम थी वो कम हो सकती है, ऐसा रिसर्च में इंडिकेट किया गया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्ने, ये भी एक इंपॉर्टेंट है आज के डेट में कॉस्मेटिक के लिए काफी ज्यादा यूज होने वाली चीजें हैं। जब हम एंड्रोजन के बारे में बात कर रहे थे तब आपको एक चीज हमने पॉज लेकर के आपको एक्सप्लेन की थी कि जब हम बात करते हैं एंड्रोजन की तो वो आपके मेल के स्किन को थिक करने का काम करते हैं
और जो सीबेसियस ग्लैंड है इनके भी सिक्रेशन को फास्ट अप करेंगे, लेकिन स्किन के थिक हो जाने की वजह से, मोटे हो जाने की वजह से वो कवर हो जाते हैं और वो जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं। इनकी वजह से वो जो सीबस ग्लैंड है जिसकी वजह से ऑयल सीक्रेट होते हैं वो काफी मात्रा में डस्ट को अट्रैक्ट करते हैं और वो एक्ने का रूप ले लेती है। तो फीमेल में भी एंड्रोजन है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया, ये एंड्रोजेनिक एक्टिविटी अगर ओवरकम आने लगेगी, दिखने लगेगी, फेस करने लगेगी, तो उसकी वजह से स्किन की थोड़ी बहुत थिकनिक होगी और एक्ने की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। सो एस्ट्रोजन का जो सिक्रीशन है वो मेन रिस्पॉन्सिबल है एक्ने के लिए। तो सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन मेल सेक्स हार्मोन एट प्यूबर्टी कैन कॉज एक्ने, बट अगर हम इस एंड्रोजन का उल्टा फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन देते हैं, इट विल एंटागोनाइज अगेन लाइक दिस, एंटागोनाइज द एंड्रोजेनिक इफेक्ट और डिक्रीज द चांसेस ऑफ एक्ने। लेकिन याद रखने वाली बातें ये हैं कि ये पहले के केस हुआ करते थे, जब अभी आपके पास टॉपिकल एजेंट आ गए हैं इस तरह के प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तो इनको अब यूज नहीं करते हैं, हम इनकी जगह टॉपिकल एजेंट को यूज करते हैं जो कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को उसके साइट ऑफ अकरेंस पे रिड्यूस करके ठीक करने का काम करते हैं। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया द फार्माकोलॉजिकल यूटिलाइजेशन, कह लीजिए यूज ऑफ फीमेल सेक्स हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले टॉपिक में जब आप बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की या कुछ और अदर टॉपिक की जो किसी हार्मोन से रिलेटेड है, तो आपको ये जो आज का वीडियो है वो एक बेस प्रोवाइड कराएगा। सो आज के रेफरेंस के बारे में हम बात करते हैं, तो हमने इनके लिए यूज किया है KD त्रिपाठी और पद्मदा उदय कुमार, आज के साथ साथ लिपिन कॉट की कुछ पॉइंट को भी इसमें यूज किया है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स PDF में हमारे फेसबुक के ग्रुप में रखे हुए हैं, वो कैसे इजीली और फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसका एक डेमो वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के फॉर्म में दिख जाएगा। सो अगेन थैंक यू, नमस्कार।